Hi guys, my name is Abhinav Kapoor and you guys are watching me on Tele Glam. Okay, so hi Abhinav, welcome to Teleglam. Hi, how are you? Thank you so I'm much for good. having me here. I am good. Thank you so much. How are you? I'm very well, yeah, very, very well. God's been kind, the power has been kind. I've been very well, killing it, living it, and hustling. ओके सो अभी ना सबसे पहले तो शो की बात करेंगे, कैसे क्या कुछ चल रहा है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, ये जानना चाहेंगे. देखिए, एग्जैक्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स तो मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. नहीं तो राइटर और प्रोड्यूसर्स मेरी जान खा जाएंगे अगर मैंने बता दिया तो. बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है शो. आई थिंक बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम और प्रिया अभी वापस, यू नो, दे आर फॉलिंग इन लव एंड उनके काफी उनका रोमांस फिर से अच्छे से आ रहा है उभर उभर के बाहर. और आई थिंक बहुत सारे लोग वो देखना भी चाहते थे, तो फिलहाल हम ऑडियंस को वो देना चाह रहे हैं जो उन्हें देखना है. एंड ऑफ कोर्स डेली सोप है, एक ड्रामा तो होता ही है सोप में, तो आगे भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे. इनफैक्ट अभी तो स्टोरी बहुत ही फास्ट जाने वाली है, तो जो भी रेगुलर वॉचर्स है शो का, शो के, मैं उनको ये बोलूंगा कि शो देखते रहिए और नेक्स्ट 1-1.5 महीने में बहुत कुछ होने वाला है. ओके, इसके अलावा आपके कैरेक्टर की बात करें तो आप अपना पर्सनली कैरेक्टर कितना एंजॉय कर रहे हो, या आपसे आपके कैरेक्टर से हम रिलेट करें अभिनव को, सो हाउ मच इट इज सिमिलर और डिफरेंट. आई थिंक मैं अपने कैरेक्टर को पहले दिन से बहुत एंजॉय करता हूँ, बिकॉज काफी मजेदार कैरेक्टर है. यू नो, कभी कभी फनी सीन्स भी होते हैं हम लोगों के, कभी बहुत ओवर ड्रामेटिक भी होते हैं, कभी बहुत ही यू नो, सस्पेंस भरे, थ्रिलर भरे, थ्रिलर टाइप के भी होते हैं. तो सारे शेड्स आई थिंक मुझे प्ले करने मिलते हैं एज आई प्ले विक्रांत. तो बहुत मजा आता है ये कैरेक्टर प्ले करके. एंड मेरे को स्टार्स भी इतने अच्छे हैं कि उनके साथ काम करने में भी और भी ज्यादा मजा आता है. तो आई थिंक विक्रांत अभिनव से सिमिलर है काफी चीजों में. आई थिंक जैसे कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव भी जो है वो रियल लाइफ में एक ऑनेस्ट इंसान है. आई थिंक वो विक्रांत फिटनेस में है, इज अ फिटनेस फ्रीक, तो मैं भी फिटनेस का है. आई थिंक विक्रांत का जो स्टाइल है, जैसे वो रहता है, यू नो, जैसे कपड़े पहनता है, वो भी मैं काफी रिलेट करता हूँ यू नो विक्रांत से, क्योंकि मेरा भी काफी इजी गोइंग स्टाइल है. और एक अच्छा इंसान है विक्रांत, एक अच्छा दोस्त है, तो मैं भी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कांस्टेंट कोशिश करता रहता हूँ. और आई एम श्योर मैं अपने यारों का यार हूँ, तो अपने दोस्तों का भी दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त हूँ. तो आई थिंक ये कुछ क्वालिटीज है मेरे में और विक्रांत में जो सिमिलर है. जैसे आपने कहा यारों का यार हूँ, यू नो, तो हम ये जानना चाहेंगे आपके फ्रेंड अंकित गुप्ता, ही इज इन बिग बॉस, क्या कहना चाहोगे? आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? ऑनेस्टली मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी अपनी शूटिंग होती है जब बिग बॉस का टेलीकास्ट होता है. बट बीच बीच में मैं स्निपेट्स वगैरह उसके देखता रहता हूँ, स्पेशली ऑनलाइन वगैरह मैं काफी उसका देखता रहता हूँ कि कैसा क्या कर रहा है. तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कर रहा है. वो जैसा रियल लाइफ में है, एक ऑनेस्ट इंसान है, चुप चुप रहता है, बहुत ज्यादा बात वो रियल लाइफ में भी नहीं करता है, जब करता है समझदारी की करता है, अच्छी बातें करता है, पॉजिटिव इंसान है. और वो वैसे भी बहुत ज्यादा बात करने वाला बातूनी लड़का नहीं है, वो कभी भी नहीं था. मेरा तो ऑलमोस्ट 6-7-8 साल से बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो उसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ. तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसा है ना रियल लाइफ में, वो बिग बॉस के अंदर भी वही चीज प्ले कर रहा है और बिल्कुल वैसा ही है. एंड ही इज अ वेरी ऑनेस्ट गाय एंड अ वेरी नाइस गाय. एंड यू नो, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. आई मीन, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी, उसको पता है वो हमारी बेस्ट. और यू नो, शो हमेशा उसके साथ है ही, वो तो अनसेड है. बट आई होप कि वो जीत के आए और ट्रॉफी घर लेके आए, और यू नो, फिर हम पार्टी करेंगे. या श्योर, बट इसके अलावा ये जानना चाहिए, जो पिछला एपिसोड था, यू नो, कल जब फ्राइडे सलमान खान जब आए थे, तब उन्होंने कहा था कि आपको गार्डियन की जरूरत है. घर घर के कुछ कंटेस्टेंट ने सिलेक्ट किया था कि यू नो अंकित को गार्डियन की जरूरत है, बिकॉज अंकित कहीं नहीं दिख रहे हैं.
सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो बोलते नहीं है, सलमान ने भी बहुत सारी इन ये बातें कही कि आपने कहाँ पर अपना स्टैंड लिया है, कहाँ पर प्रियंका के लिए स्टैंड लिया है, कहाँ पर आप दिखे हो, तो यू नो वो एक चीज लैक कर रही है. सो डू यू थिंक अगर अंकित ऐसे ही रहेंगे तो कहीं उन्हें वोट मिलेंगे, क्या उनके फैन उन्हें सपोर्ट करेंगे इस तरह? व्हाट डू यू से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अंदर वो गेम खेलने के लिए जाते हैं। अंकित भी गेम खेल रहा है, मगर उसका खेलने का तरीका शायद अलग है, रियल है। वो एक ऑनेस्ट इंसान है, वो जैसा मैंने कहा कि रियल लाइफ में है, वो उस घर में भी एग्जैक्टली वैसा ही है। देर इज नो प्रिटेंस, देर इज नो एक्टिंग, देर इज नो कुछ है ही नहीं। सो यू नो, रियल बनना आई थिंक एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है, इनफैक्ट सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, तो वो उसमें है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं तो उसकी उसकी इस क्वालिटी से काफी प्रभावित हूं, और यू नो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का अपना सोचने का तरीका होता है। शायद बिग बॉस की टीम या सलमान खान जो कुछ सोचते होंगे उनका शायद कुछ और नजरिया होगा, मेरा अलग है। अब ऑफकोर्स मेरी तो उससे इमोशनल बॉन्डिंग भी है क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट मुझे तो अच्छा लगता है, वो जैसा भी है रियल है। और अब उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो उसका डिसीजन है। एज फ्रेंड्स हम उसको बेस्ट विशेस दे सकते हैं, एंड उसके लिए यू नो हमेशा प्रे कर सकते हैं, पॉजिटिविटी उसकी तरफ पुश कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। एंड अंदर वो जो भी करे, मुझे क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अच्छा इंसान है और अच्छाई कभी छुपती नहीं है, तो शायद इस हफ्ते नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है शायद अगले हफ्ते दिख जाएगा। उसको खुलने में थोड़ा समय लगता है, तो हो सकता है कि उसको खुलने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आई थिंक इवेंचुअली वो करेगा जो भी उसे करना है, और जब भी उसे रिएक्ट करना है वो करेगा। बट ही इज अ रियल गाय, एंड यू नो बहुत कम लोग होते हैं जो इतना रियल रह पाते हैं, यू नो एक कैमरे के सामने भी और रियल लाइफ में भी। सो इट्स अ ग्रेट क्वालिटी, आई थिंक इट शुड बी अप्रिशिएटेड। बट यू नो आपसे अगर हम पूछे, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, आप इतने सालों से उन्हें जानते हो, सो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो यू नो इंट्रोवर्ट के साथ साथ उनमें और एक चीज है? खैर अभी तो वो ज्यादा बोल नहीं रहे हैं या वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बट इसके अलावा और क्या क्वालिटी है जो वो अपनी और शोकेस कर सकते हैं जिससे और ज्यादा उन्हें यू नो प्यार मिल सकता है फैन से? आई थिंक उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, और वो हमेशा रियल लाइफ में भी बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं। मैंने कभी उन्हें झूठ बोलते हुए या ऐसी सब चीजें करते हुए कभी देखा नहीं है इतने सालों में। एंड कुछ भी हो बात वो सीधा मुंह पे बोलते हैं, मुंह फट है और बहुत ही ऑनेस्ट है। तो आई थिंक ये उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। और यार मेरा तो बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो मेरे भाई जैसा है। सो मैं वो परम हम सब बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। एंड यू नो वो हमेशा ऑनेस्ट रहा है, और वो आज भी ऑनेस्ट है और अंदर भी ऑनेस्ट है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। तो ये उनकी कुछ क्वालिटीज है जो आजकल लोगों में कम देखने को मिलती है, बट उनमें वो क्वालिटीज है। इसके अलावा जो प्रियांकित हैशटैग चल रहा है, सो आपको वो कैसे लग रहा है? उनकी अगर कपल गोल्स की बात करें या रिलेशनशिप, फिलहाल कुछ नाम नहीं दे सकते उस रिलेशनशिप को, सो आप क्या कहना चाहोगे उस चीज के बारे में? ऑनेस्टली यू नो अंकित ये शो की शूटिंग कर रहा था चंडीगढ़ में, और मैं बॉम्बे में शूटिंग कर रहा हूँ इतने टाइम से दूसरे दूसरे शोज की, और लास्ट 1-1.5 साल से तो मैं भी बड़े अच्छे लगते हैं के साथ ही ऑक्यूपाइड हूँ। बट तो हम लोगों का इतना मिलना नहीं हुआ। और जहां तक प्रियंका, आई थिंक प्रियंका नाम है ना उनका, उनको मैंने हमेशा टीवी पे ही देखा है, मैं कभी उनसे मिला नहीं क्योंकि वो लोग चंडीगढ़ में शूट करते थे तो यहाँ पे ज्यादा आते नहीं थे। बट जहां तक मुझे पता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, या अंकित ने मुझसे तो ऐसा कुछ शेयर नहीं किया कि उनका कुछ ऐसी कोई बात है। बट अगर उस शो में ऐसा कुछ हो रहा है और अगर वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं तो अच्छी अच्छी बात है। वो शो ही ऐसा है, यू नो वहां पे कोई मोबाइल फोन्स नहीं होते, टीवी नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो अगर वो एक दूसरे को अंदर अच्छे से जान रहे हैं तो अच्छी बात है, आदमी एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान सकता है ऐसे माहौल में। एंड अगर उनको वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो गुड फॉर देम, तो जो भी लेगा अपने अच्छा ही लेगा। और बातें इसके अलावा ही जानना चाहेंगे बिग बॉस में और कौन से अंकित के अलावा आपके फ्रेंड है, और या कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो आपको फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है? मेरा अंकित के अलावा इस बिग बॉस में तो कोई फ्रेंड नहीं है,
हाँ शालीन को मैं जानता हूँ, हमने कुछ सालों पहले थोड़ा काम किया था साथ में, एंड वो मेरे जिम में मुझे मिलते विलते रहते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत उन्हें जानता हूँ। बट अदर देन दैट इस बिग बॉस में तो मैं और किसी को पर्सनली नहीं जानता। बट वो जो एक अब्दू नाम के एक बंदे हैं, वो मुझे काफी एंटरटेनिंग लगते हैं और अब्दू वो काफी क्यूट इंसान है, तो उनको देखने में बड़ा मजा आता है मुझे। और बहुत ही बढ़िया। आई होप के बिग बॉस के दौरान वो हिंदी सीख जाए तो मजा आएगा। बढ़िया, उनको देखने में बड़ा मजा आता है। और फिर अंकित तो है ही, उसके भी स्निपेट्स में बीच बीच में देखता रहता हूँ। तो ये दो लोग हैं जो मुझे काफी पसंद है इस बिग बॉस में। ओके आप शालिन से, शालिन के साथ आपने थोड़ा बहुत जो भी काम किए हो, क्या शालिन वैसे ही है जैसे वो बिग बॉस के घर में दिख रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि वो अभी फिलहाल के लिए वो फेक दिख रहे हैं, ही इज नॉट रियल व्हाट ही इज। आई एम नॉट वेरी श्योर एक्चुअली। मैंने उनके साथ इतना ज्यादा वक्त नहीं बिताया है कि मैं बता सकूं कि वो अंदर जो है वो है कि नहीं। एंड ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द डे ये गेम शो है, हम लोगों को इतना ज्यादा इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लोग वो गेम शो है, खेलने गए हैं, कुछ लोग रियल रहने गए हैं, कुछ लोग खेलने गए हैं, कुछ लोग जीतने गए हैं, सबकी मंशाएं अलग होती है। तो ये एक सिचुएशन में आपको डाला गया है एक घर में ऐसे, जहाँ पे ये टास्क वास्क होते हैं, ये सब सर्वाइव करना होता है वीक आफ्टर वीक, तो ये काइंड ऑफ सर्वाइवल शो ही है। एंड तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि वो जैसा अंदर रहे वो वैसा बाहर भी रहे या क्या रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने उनके साथ इतना वक्त नहीं बिताया है कि मैं ये सब जज कर पाऊं कि वो अंदर क्या करें। बट वो जब जब भी मुझे मिले हैं, बहुत ही अच्छे से मिले हैं। हमेशा हमने बहुत अच्छा एक कॉमराडरी शेयर किया है, चाहे हम जिम में मिले या किसी अवार्ड फंक्शन में मिले या पार्टी में मिले या कहीं भी। तो मेरे साथ तो वो हमेशा बहुत ही अच्छे रहे हैं, एंड आई विश हिम ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सो लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? फैंस और व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज तक मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है। और मैं जो भी शो करता हूँ, जो भी नया किरदार करता हूँ, आप लोग हमेशा उसे अप्रिशिएट करते हो और आप लोग के मैसेजेस वगैरह मुझे रेगुलरली मिलते रहते हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि हम लोग बहुत बिजी होते हैं अपने काम में और हम लोग मोबाइल सेट पे नहीं लेके जाते, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिप्लाई वगैरह करना। लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, एंड थैंक यू सो मच। आपका ये प्यार ही है जो मुझे ड्राइव देता है, जो मुझे जील और जेस्ट देता है, जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है टू गेट बेटर एंड वर्क हार्डर ऑन माई स्किल। तो मैं वो हमेशा करता रहूंगा। एंड आप लोग प्लीज ये प्यार मुझे देना कभी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फ्यूल है, यही मेरा पेट्रोल है, इसी से ही मैं और अच्छा करने की जो मेरे अंदर चाह है वो हमेशा जगी रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई ऑन डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिनव, थैंक यू।